अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये जो आप मम्मी देख रहे हैं ये तकरीबन 4000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। फिरौन के ज़माने की ये मम्मी है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की ये मम्मी है। इसका नाम रामिस सानी था। इसकी आप शक्ल देखें नाज़रीन इकराम, इसकी आंखें देखें, इसके होंठ देखें। अभी तक नाज़रीन इकराम सही सलामत मौजूद है। और नाज़रीन इकराम सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि इसके बाल अभी तक मौजूद हैं और वक्त के साथ साथ बढ़ रहे हैं। नाज़रीन इकराम, रामिस सानी नाज़रीन इकराम ये वो मर्दूद फिरौन था जिसने खुदाई का दावा किया था। नाज़रीन इकराम, इस फिरौन को आप देख सकते हैं, हाथ इसके ऊपर हैं, चेहरा भी इसका आपको वाज़े नज़र आ रहा है। और नाज़रीन इकराम, इसके बाल भी आपको साफ नज़र आ रहे हैं, सफ़ेद कलर के नाज़रीन इकराम इसके बाल हैं। इसको नाज़रीन इकराम इन लोगों ने हनूत किया हुआ है और इसी वजह से इसके बाल भी अभी तक मौजूद हैं, बाल भी अभी तक नहीं गले। नाज़रीन इकराम, इन ज़िंदा लाशों को देखकर इंसान इबरत हासिल करता है। नाज़रीन इकराम ये देख सकते हैं आप, ये सोने के कड़े इन दोनों मम्मियों की लाशों के साथ लगे हुए थे। और ये नाज़रीन इकराम इनका बेड था जो फिरौन के ज़माने का है, ये आप देख सकते हैं। नाज़रीन इकराम ये कहते हैं कि ये बेड इनकी कब्र के अंदर से निकले हैं। और ये बेड नाज़रीन इकराम अपनी असली हालत के अंदर अभी भी मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम ये दोनों बेड इन्हीं दोनों फिरौन मम्मियों के हैं। नाज़रीन इकराम ये इनका सामान था जिनके अंदर सोने जेवरात वगैरह थे। नाज़रीन इकराम ये बगी देख रहे हैं, ये भी इनकी कब्र के अंदर से मिली है। कब्र नाज़रीन इकराम इनकी कमरे नुमा थी जिसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद थी। नाज़रीन इकराम मास्क देख रहे हैं आप दोनों, ये एक मर्द फिरौन का है और दूसरा औरत का, यानी ये दोनों मम्मियाँ, एक फिरौन मर्द की मम्मी है, एक औरत की मम्मी है, एक योया का है और एक सोया का है, योया मर्द और सोया खातून है। मास्क नाज़रीन इकराम जिंदा इंसान को नहीं पहनाया जाता था, जो मर जाते थे उनको पहनाया जाता था। नाज़रीन इकराम आपने फिरौन की कुर्सी भी देख ली है, अब ये उस दौर की फिरौन दौर की जूतियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं फिरौन के दौर के चप्पल हैं, जूते हैं। और ये फिरौन के दौर के आप देख सकते हैं नाज़रीन इकराम, ये आप देख सकते हैं अंतड़ियाँ, फेफड़े वगैरह इन चीज़ों के अंदर ढांप कर वो लोग रखते थे। ये नाज़रीन इकराम इसका आखिरी ताबूत है। और इसी के साथ नाज़रीन इकराम आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो ताबूत है छोटा, इसके अंदर भी दफन किया जाता था। और फिर ये ताबूत नाज़रीन इकराम सबसे बड़ा ताबूत जो आगे पड़ा हुआ है उसके अंदर रखा जाता था। यानी नाज़रीन इकराम एक मम्मी को 4 से 5 ताबूतों के अंदर दफन किया जाता था। और हर ताबूत को, ये आप देख सकते हैं, मजबूती से बंद किया जाता था ताकि इसको कोई खोल ना सके। नाज़रीन इकराम मैंने आपको बताया था कि अंतड़ियाँ वगैरह इस तरह के घड़ों के अंदर रखी जाती थीं। नाज़रीन इकराम ये आप देख रहे हैं, मम्मी की अंतड़ियों को इन्होंने हनूत करके रखा हुआ है। ये घड़े का ढक्कन इस ताबूत के अंदर रख कर नाज़रीन इकराम, और अंतड़ियों के लिए भी अलग ताबूत हुआ करता था। नाज़रीन इकराम ये ताबूत उठाकर इस बड़े ताबूत के अंदर रखते थे। ये वो
गद्दा है जिसके ऊपर ताबूत रखा जाता था। नाज़रीन इकराम ये देख सकते हैं आप, नाज़रीन इकराम ये आप देख सकते हैं, ये बादशाह सलामत का तख्त है जिसके ऊपर बादशाह बैठा करते थे। फिरौन के वक्त के बादशाह इसी तख्त के ऊपर बैठा करते थे। नाज़रीन इकराम ये फिरौन के दौर का तख्त है जिसके ऊपर फिरौन बैठकर फैसले करता था। यह पांव रखने की जगह है। नाज़रीन इकराम इसमें पांव रखने की जगह पर मुख्तलिफ शक्लें बनी हुई हैं। जो लोग इसके मातहत हुआ करते थे ये उनकी शक्लें बनी हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ करता था कि ये लोग मेरे मातहत हैं, मेरे ग़ुलाम हैं, और इसलिए ये इसके ऊपर पांव रखता था। ये कुर्सी भी सोने की है। नाज़रीन इकराम ये तूत फिरौन का पुतला है, लकड़ी का बना हुआ है। इसके साथ इसकी चप्पल पड़ी है, ये फिरौन पहना करता था। ये दोनों नवारदात इसके अंदर से मिले हैं, ये इस डब्बे के अंदर से मिले हैं। ये नाज़रीन इकराम आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी मम्मी है। इसके ऊपर एक तस्वीर भी बनी हुई है जो किसी खातून की तस्वीर है। ये रोमानियों के दौर की हनूत शुदा मम्मियाँ हैं। जब रोमानियों ने मिस्र के ऊपर हुकूमत की थी तो इन्होंने भी इसी तरह मम्मियाँ हनूत की थीं। ये नाज़रीन इकराम किसी मर्द की तस्वीर लगी हुई है। ये मम्मी किसी मर्द की है जो फोत हो जाता था, ये उसकी तस्वीर लगा दिया करते थे, चेहरे के ऊपर तस्वीर लगा दिया करते थे। ये नाज़रीन इकराम आप देख सकते हैं, ये एक हनूत शुदा खातून की लाश है। तस्वीर से आपको वाज़े नज़र आएगा। नाज़रीन इकराम इस मम्मी का नाम है गोल्डन मम्मी। गोल्डन इसलिए कहा गया है कि इसने ख़ुद भी सोना पहना हुआ है। और ये देखें नाज़रीन इकराम, ये भी एक खातून की मम्मी है। तस्वीर से आपको वाज़े हो रहा होगा, ये आप देख सकते हैं। ये नाज़रीन इकराम देखें आप, बिल्कुल अपनी असली हालत के अंदर है। इन धागों को देखें, ये मम्मी देखें नाज़रीन इकराम, ये एक मर्द फिरौन की मम्मी है। ये तस्वीर से आप देख सकते हैं। इस तरफ आप देख रहे हैं ये ताबूत नाज़रीन इकराम, और ये नाज़रीन इकराम एक पीतल का ताबूत बना हुआ है। नाज़रीन इकराम फिरौन के दौर के लोग हर किस्म के ताबूत बनाया करते थे। कुछ ताबूत लकड़ी के हुआ करते थे और कुछ ताबूत पत्थर के हुआ करते थे। ये नाज़रीन इकराम आप देख सकते हैं। नाज़रीन इकराम ये मम्मी बिल्कुल अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं नाज़रीन इकराम, ये मम्मी उसी तरह से उसी हालत के अंदर मौजूद है। पता नहीं क्या क्या चीज़ें इस मम्मी को इन्होंने पहनाई हुई हैं, हार वगैरह, सोना, सब कुछ इस मम्मी को पहनाया हुआ है। जिस तरह नाज़रीन इकराम इनको कब्र के अंदर से मिली हैं, ये इन्होंने नहीं खोला। ये मम्मी देखें नाज़रीन इकराम, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये नाज़रीन इकराम आप देख सकते हैं। नाज़रीन इकराम आप इन लोगों की हालत देख सकते हैं। नाज़रीन इकराम ये फिरौन के दौर के मगरमच्छ की एक मम्मी है, ये आप देख सकते हैं कितना लंबा मगरमच्छ है। और इसी के साथ इन्होंने एक मछली को भी हनूत करके रखा हुआ है। फिरौनों ने नाज़रीन इकराम हर चीज़ को हनूत किया हुआ है। एक कुत्ते को हनूत किया हुआ है नाज़रीन इकराम, ये बंदर को हनूत किया हुआ है नाज़रीन इकराम, और ये मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन है। ये मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन, उसका मुजस्मा है नाज़रीन इकराम, आप देख सकते हैं। आए अब आपको मूसा अलैहिस्सलाम का मज़ार अक़दस भी ज़्यारत करवाते हैं। और
इंशाल्लाह जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये मुफीद मालूमात पहुंचती रहे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मज़ार अक़दस की ज़्यारत भी करें। आए नाज़रीन इकराम आपको दिखाते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मज़ार अक़दस। ये नाज़रीन इकराम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मज़ार अक़दस आप देख सकते हैं। अल्लाह निगेबान।